हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इट्स एवी ब्लॉग्स के एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है दोस्तों। आप पीछे देख सकते हैं, पहाड़ है, ठीक है, और इस साइड भी पहाड़ है। और ये वाला पहाड़ मैंने आप लोगों को पहले के वीडियो में दिखाया था और ये बाकी था इस पर जाना, तो अभी तक मैं इस पर नहीं गया हूँ दोस्तों, इस पर भी जाऊँगा। तो अभी का जो वीडियो होने वाला है, अभी जो चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक ऐसा मौत का कुआँ दिखाने वाला हूँ दोस्तों। इसको देख कर आप एकदम शौक हो जाएंगे और वहाँ का सीन भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का है दोस्तों। आज तक मैं वहाँ नहीं गया, मेरा भी फर्स्ट टाइम है, तो अभी मैं वहीं पे जा रहा हूँ दोस्तों और वहाँ से मैं आप लोगों को पूरा सीन दिखाने वाला हूँ। तो वहाँ क्या होता है दोस्तों, कैसा सीन होता है, सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी मैं घर से निकल चुका हूँ और पहाड़ों का सीन आपने देख ही लिया। हम लोग जा रहे हैं दोस्तों, अभी रास्ते में है और यहाँ पे पीछे सुधीर, सत्यम और सुमित, ठीक है। जब भी मैं जाता हूँ तो बच्चा लोग के साथ जाता हूँ, ठीक है, तो ये लोग मेरे साथ है। और अभी मैं रास्ते में हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ और इधर से सूर्य जो है एकदम पूरा लाइट मार रहे हैं, तो एकदम फेस पे ही पड़ रहा लाइट। और अभी हम लोग रास्ते में है, जा रहे हैं दोस्तों, और वो आगे जाके मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। चारों तरफ से पहाड़ है और बाकी पूरा जंगल है, ठीक है, और बीच में एक रास्ता बना हुआ है, तो उसी से जा रहे हैं और आप लोगों को आगे का सीन दिखाते हैं। नाराज हो गया। तो अभी हम लोग इन लोग को वीडियो में नहीं आने दिए, तो ये लोग नाराज हो गया, देख सकते हैं इन लोग का फेस, देखिए एकदम गया। सो फाइनली गाइस, ये लोग को वीडियो में नहीं लिए थे तो ये लोग नाराज हो गया था, तो अभी इन लोगों को वीडियो में शामिल कर लिए तो खुश हो गया। आप चेहरे पे मुस्कान देख सकते हैं, और फाइनली ये लोग को भी मना लिया और ये लोग खुश हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे। अभी मैं जहाँ जाने वाला हूँ दोस्तों, उसके करीब हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आपको पहाड़ देखने को मिल रहा है, हिब्बत का पठार भी सेम ऐसा ही लगता है देखने में दोस्तों। तो आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है दोस्तों, सब क्लोज है, यहाँ पे पत्थर है और बालू है पूरा, तो यहाँ पे स्लाइड हो जाएगा दोस्तों अगर पैर रखेंगे तो। चलिए इसको क्रॉस करते हैं और उसके बाद उस साइड का सीन आप लोगों को दिखाता हूँ। और आप देख सकते हैं पीछे दोस्तों, आपको सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहा होगा, ठीक है, कैमरे में तो छोटा लग रहा होगा लेकिन यहाँ पे सिर्फ पहाड़ ही आपको देखने को मिलता है। तो हम लोग अभी तिब्बत के पठार के नीचे हैं दोस्तों। तिब्बत का पठार इसको ऐसे ही बोल रहा हूँ क्योंकि देखने में वैसा ही लग रहा है, ठीक है, तो आप सच में मत सोच लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोग चढ़ रहा है ऊपर, तो अभी मैं भी चढ़ूंगा। तो पहाड़ों में चढ़ने में एक अलग लेवल का ही मजा आता है दोस्तों। तो फाइनली गाइज, अभी मैं इस वाले पहाड़ को क्रॉस कर चुका हूँ, इसके ऊपर हूँ, ठीक है। और यहाँ से आप नीचे का सीन देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का देखने को लग रहा है। यहाँ से कैमरे में तो आपको पता नहीं चल रहा होगा लेकिन अभी मैं इसके ऊपर आ चुका हूँ दोस्तों। यहाँ पे पत्थर है और बालू है, ठीक है, अगर एक बार पैर फिसला तो आप डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे और ये बहुत ही ज्यादा स्लाइड करने वाला है। यहाँ से आप सीन देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का सीन आपको देखने को मिल रहा है, चारों साइड आपको पहाड़ देखने को मिल रहा है। और अभी जहाँ जाने वाला हूँ वहाँ का तो सीन कमाल का होने वाला है, तो चलिए चलते हैं ऊपर। और यहाँ से धूप भी बहुत ही ज्यादा एकदम आ रहा है फेस। अभी मैं यहाँ पे पहाड़ पे जैसे ही आया दोस्तों, वहाँ पे आप देख सकते हैं दो तीन लोमड़ी जा रहा है, वहाँ पे झाड़ी में आपको नजर नहीं आ रहा होगा यहाँ से, अगर वो वाला कैमरा रहता जूम करके दिखाते हैं। यहाँ पे दो तीन अचानक लोमड़ी निकला और वहाँ पे जा रहा है, तो ये लोग भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है दोस्तों। जब आप दो तीन साथ रहेंगे तो कुछ नहीं करेगा, अकेले रहेंगे तो हमला कर देगा, ठीक है। तो इसका पूरा झुंड ही जा रहा है दोस्तों उधर, तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, झुंड में जा रहा है, अगर सामने होता तो वीडियो शूट कर लेते। तो चलिए मैं आगे चलता हूँ। फाइनली गाइस, जहाँ पे मैं आने वाला था, जहाँ का व्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाला था, वहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। और यहाँ का सीन मैंने देखा दोस्तों, इतना ज़्यादा कमाल का और इतना ज़्यादा खतरनाक है कि आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। यहाँ पे चारों साइड पहाड़ है दोस्तों, पत्थर वाला पहाड़, सभी पहाड़ों में यहाँ पे पत्थर देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे गाड़ी में आ रहा है दोस्तों, और इसमें पूरा पत्थर लोड है, जिसको शक्तिमान बोलते हैं, सबसे पावरफुल गाड़ी है दोस्तों, आप ट्रक भी बोल सकते हैं, शक्तिमान नाम ही है इसका। पत्थर का खदान है यहाँ पे दोस्तों, इतना ज़्यादा बड़ा और इतना ज़्यादा गड्ढा है यहाँ पे, बता नहीं सकते। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों, उसका पूरा सीन दिखाने वाला हूँ, पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे लगातार बैक टू बैक ढेर सारी गाड़ियाँ पत्थर लोड करके निकल रही है और बहुत ही ज़्यादा गड्ढा है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा नीचे। अगर फर्स्ट टाइम आप ऊपर से देखेंगे तो आपको चक्कर भी आ सकता है दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, एक तरह से बोल सकते हैं ये मौत का कुआँ है दोस्तों। अगर यहाँ पे कोई भी गलती से भी गिर गया तो बचने का कोई चांस ही नहीं है। अभी मैं यहाँ का पूरा सीन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, बैक कैमरे से दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ नज़र तो नहीं आ रहा होगा, अभी मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाऊंगा तो थोड़ा आपको कुछ समझ आएगा। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गड्ढा है दोस्तों, बहुत सारे मशीनें चल रही है, ढेर सारा आवाज़ आ रहा है, ठीक है, बहुत लाउड आवाज़ आ रहा है दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा गड्ढा है, यहाँ से पत्थर निकाला जाता है, बहुत बड़ा खाई है, यहाँ पे ढेर सारी गाड़ियाँ दोस्तों पत्थर लेके निकल रही है। तो चलिए आप लोगों के साथ यहाँ का सीन शेयर करता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, एक ट्रक आपको देखने को मिल रहा होगा जिसको शक्तिमान बोलते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यह वाला इसके अंदर रोड बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ से गाड़ियाँ निकलती है। गाड़ियों को निकलने में आप देख सकते हैं कितना हालत ख़राब हो रहा है दोस्तों, मैं पूरा जूम किया हूँ अपने कैमरे को,
और यहाँ पे इसके अंदर ही रोड बनाया गया है दोस्तों। बहुत ही ज्यादा गड्ढा है, यहाँ से देखने में गाड़ियां भी छोटी छोटी नजर आती है। मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें अंदर लगी हुई है दोस्तों, और कुछ इस टाइप का रोड बना हुआ है, धीरे धीरे करके सब ऊपर आती है, ठीक है। यहाँ पे जूम करने में भी आपको दिख नहीं रहा होगा, और यहाँ से देखने में बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सीन है, ठीक है। ये पत्थरों का खदान है दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा गड्ढा है, और इसमें आदमी देखने में बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं। आगे जाऊँगा तो खतरा है, इसलिए मैं आगे नहीं जाऊँगा दोस्तों। वहाँ पे आपको बहुत छोटे छोटे आदमी नज़र आ रहे होंगे। इसके अंदर ढेर सारे लोग काम करते हैं, पहाड़ों के बीच में, जंगलों के बीच में इतना बड़ा खदान है दोस्तों, पत्थर का, जहाँ से पत्थर निकाला जाता है, इससे गिट्टी बनाया जाता है, सीमेंट बालू ये सब बनाया जाता है। देख सकते हैं जो ट्रक अभी वहाँ पे देखने को मिला था, यहाँ से अभी ये निकल रहा है, इतना देर के बाद ट्रक निकलता है दोस्तों, और इसको निकलने में भी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाता है। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा स्लो है, ठीक है। इसका स्पीड आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्लो है, ज़्यादा गड्ढा। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो गाड़ियाँ निकल रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको दो दो गाड़ियाँ निकल रही होगी, और कितना धीरे धीरे ये लोग चल रहे हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इनकी स्पीड स्लो होती है दोस्तों, इनको ऊपर चढ़ने में हालत ख़राब हो जाता है। यहाँ से गाड़ियाँ भी आपको छोटी छोटी नज़र आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ही गाड़ियाँ चलती है, एक पावरफुल ट्रैक्टर और एक शक्तिमान, ठीक है। यहाँ पे बस यही गाड़ियाँ चल सकती है, और कोई भी गाड़ियाँ इसके अंदर नहीं तो जा सकती है, और ना ही तो ऊपर आ सकती है। गाड़ियाँ बैक टू बैक आ रही है दोस्तों ऊपर, और चलने में इनकी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब पत्थर लेके निकल रही हैं, और शाम हो रहा है यहाँ पे, तो अब ये सब लोग बाहर निकलेंगे। यहाँ का सीन आप लोगों ने देख लिया दोस्तों, कितना ज्यादा गड्ढा है, बहुत ही ज्यादा गड्ढा है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियां आ रही है ऊपर, जो कि बहुत ही छोटी लगती है दूर से। यहाँ का कुछ इस टाइप का सीन है, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक है दोस्तों, और ऐसी जगह में आपको बिल्कुल भी भूलकर भी कभी नहीं जाना चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो। यहाँ पे जो गाड़ियाँ आती हैं दूर से बहुत छोटे लगते हैं देखने में, और यहाँ पे लोग अपनी ज़िंदगी को दांव में लगा के काम करते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक काम होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ से निकलते हैं क्योंकि शाम हो रहा है। तो वहाँ का सीन आप लोगों ने देख लिया होगा दोस्तों, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सनसेट होने वाला है, ठीक है। शाम हो चुकी है, अब अंधेरा भी होगा कुछ देर में, तो वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं। कितना ज़्यादा खतरे में लोग अपने जान को डाल के पैसे कमाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क होता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला काम होता है। अभी हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं दोस्तों, और घर के रास्ते को पकड़ लिए हैं, घर जा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल में प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही न्यू ब्लॉग अपलोड करता रहूँ, जिससे आपको भी मजा आए और मुझे भी अपलोड करने में मजा आए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।